Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Welcome or welcome back to my channel Fits by Me. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक पाकिस्तानी ब्रांड मारिया बी का एक बहुत ही फेमस आर्टिकल एम प्रिंट्स के नाम से, जिसको बहुत से यूट्यूबर ने डिज़ाइन किया है. मैं इंडिया से हूँ तो सिमिलर लेसेस और सिमिलर फैब्रिक मुझे नहीं मिला है, और यहाँ पर जो मुझे फैब्रिक मिला है वो उस पर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं और ये पीच और डार्क पीच कलर के शेड में है, और इस पर चिकनकारी का वर्क भी हो रखा है. शर्ट की कटिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, और ये जो है शर्ट का फ्रंट पार्ट है. यहाँ पर मैं आपके साथ इसकी लेंथ शेयर करूँगी. यहाँ पर जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो 35 इंचेस है. ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हमें शॉर्ट रखना है, बिकॉज़ हमें इसके नीचे लेसेस लगानी है और यहाँ पर डिज़ाइनिंग करना है. और इसकी जो मेज़रमेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें, बस आप उसको एक एक इंच लूज़ रखें. और यहाँ से जो है इसको 2.5 इंच मैंने यहाँ पर लूज़ रखा है, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर भी लेस लगानी है. और यहाँ पर मैंने स्लीव भी बेल स्लीव बनाई है, एज़ यू कैन सी, क्योंकि आजकल बेल स्लीव बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और उस आर्टिकल की जो स्लीव थी वो भी बेल स्लीव थी. और यहाँ पर जो टोटल लेंथ है हमारी शर्ट की वो मैं यहाँ पर आपको ये बैक पार्ट दिखा रही हूँ. इसकी जो टोटल लेंथ है, जितनी हमारी शर्ट की जो टोटल लेंथ है वो 50 इंचेस है, जो फोल्ड होकर 47 इंचेस हो जाएगी. और अब मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी नेक की डिज़ाइनिंग. नेक के लिए मैंने यहाँ पर जो है 4 इंचेस का एक मार्क लगाया है, और इस तरफ जो है एक 8 इंचेस का मार्क लगाया है. आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी इसको बड़ा कर सकते हैं. और अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे. कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है, एज़ यू कैन सी. अब यहाँ पर हम जो है एक वाइट फैब्रिक के ऊपर इसको रखकर इसी तरीके से इसकी भी कटिंग कर लेंगे. आप चाहे तो इसको डायरेक्ट ऑर्गेन्जा पे भी बना सकते हैं. जो प्रिंट था वो जो मारिया बी का जो आर्टिकल था उसमें जो है ये जो है ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर डिज़ाइन किया गया था, बट यहाँ पर मैंने इसको वाइट फैब्रिक यूज़ करके उसके ऊपर से ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को यूज़ करके डिज़ाइन किया है. ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है, एंड देन अब इसकी हम एज़ इट इज़ कटिंग कर लेंगे. बस हम जो है इसको नीचे की तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको बढ़ाकर कट करेंगे. तकरीबन 1 इंचेस तक हम इसको 1 से 2 इंचेस तक हम इसको बढ़ा लेंगे, और फिर इसकी जो है कटिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें जो है स्टिच करना है, वो स्टिचिंग में भी फैब्रिक यहाँ से जाएगा. इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पर इक्वल कर लिया है, और अब हम यहाँ पर ऑर्गेन्जा के फैब्रिक से डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ यहाँ पर जो है तकरीबन 8 इंचेस है, और इसकी जो विद है यहाँ पर जो है मैंने ली है 16 इंचेस है इसकी विद. दो पार्ट हम बनाएंगे यहाँ पर. मैं आपको एक पार्ट बनाना बता रही हूँ, इस तरीके से आपको सेकंड पार्ट भी बनाना है. इस तरीके से हमें सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेना है, एक ट्राइंगल शेप बना लेना है, एंड देन इसके ऊपर अब हमें आयरन कर लेना है, जिससे कि यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी जिसके ऊपर से हम स्टिच करेंगे, और यहाँ पर एक पिनटक बनाएंगे. यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन बन गई है, और अब हम इसके ऊपर से स्टिचिंग करेंगे. आयरन की हेल्प से यहाँ पर लाइनिंग बन जाएगी, जिससे हम इजीली यहाँ पर पिनटक बना सकते हैं. एज़ यू कैन सी बहुत ही पतले पतले यहाँ पर हमें पिनटक्स बनाने हैं. ये देखिए इसके ऊपर से अब एक बार और फिर से आयरन कर लेना है, एंड इसी तरीके से हमें सेम ही हमें यहाँ पर 1-1 इंचेस पर निशान लगाना है, और इसी तरीके से आयरन की हेल्प से हमें यहाँ पर निशान बनाना है, एंड देन इसके ऊपर से फिर से हमें पिनटक लगाने हैं. यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी पिनटक्स बना सकते हैं, और लेसेस भी जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं. यहाँ पर मैंने 2 पिनटक्स बनाए हैं, एंड देन इसके ऊपर से यहाँ पर इस तरीके से लेस लगा ली है. ये लेस जो है जॉइंटर वाली लेस है, ये ईज़िली मार्केट में मिल जाती है. इस तरीके से यहाँ पर मैंने 2 पिनटक बनाए हैं और 2 लेस लगाई हैं, और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से यहाँ पर ये सेम पैटर्न बनाना है.
बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, दोनों ही डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ होने चाहिए। दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पर बना लिए हैं एज यू कैन सी। अब यहाँ पर जो हमने कटिंग की थी इसको इसके ऊपर रखकर इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगाना है। एज यू कैन सी इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको रख लिया है और यहाँ पर अब हम जो है पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेंगे एंड देन इसके ऊपर से हम सुई की हेल्प से हम इसको जो है पहले कच्चे टाके लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो है मशीन की हेल्प से इसको पक्का कर लेंगे सो दैट कि हम इसको ईजिली स्टिच कर सके। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा, एक तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है तो उस वजह से भी आपको जो है फिनिशिंग के लिए यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले इसको नीडल की हेल्प से इसको सिक्योर करना पड़ेगा सो दैट हम इसके ऊपर इजीली नेक बना सकें और इसके ऊपर इसके बाद में हम मशीन से स्टिचिंग कर लेंगे। जितना भी अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट था उस पर मैंने यहाँ पर 4-4 इंचेस का एक मार्क लगाया है बिकॉज़ इसके ऊपर भी हमें लेस लगानी है और नीचे से जो है 6 इंचेस तक यहाँ पर मैंने मार्क लगाया है और इन दोनों निशान को टैप टैप करके हमें दोनों तरफ इसको लगा लेना है मार्क को। और अब हम इसके ऊपर जो है जॉइंटर वाली लेस लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर मैंने जॉइंटर वाली लेस को स्टिच कर लिया है और अब हम यहाँ पर जो हमने नेक बनाया था उसको यहाँ पर मशीन की हेल्प से पहले मैंने इसको सिक्योर कर लिया है एंड देन इसके बाद हम इसको अपनी शर्ट में स्टिच करेंगे। मिड से हमें यहाँ पर इसको स्टिच करना है। एज़ यू कैन सी बहुत ही हल्के हाथ से हमें इसको स्टिच करना है, स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करना है बिकॉज स्ट्रेच करेंगे तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो बहुत ही आराम से इसको स्टिच करना है। स्टिचिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इसके ऊपर वी नेक बनाएंगे जिसकी जो लेंथ है वो 7 इंचेस है और इसकी जो विड्थ है वो भी 7 इंचेस है। आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। नेक यहाँ पर मैंने बना लिया है और अब हम यहाँ पर मिड से इसमें जो है एक लाइन बनाएंगे। 8 इंचेस तक हमें यहाँ पर लाइन बनानी है क्योंकि हमें इसके ऊपर भी लेस लगानी है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक लेस ली है जिसके यहाँ पर जो है कटवर्क का एक डिज़ाइन है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लेस मिले वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लेस लगानी है। पहले हमें यहाँ से लेस को स्टार्ट करना है। लेस आप ऐसी ले जो इजीली घूम जाए अकॉर्डिंग टू योर नेक, बिकॉज अगर हार्ड लेस होगी तो वो शेप अच्छी नहीं आएगी फिर उससे, तो आप जो है इसका लेस का ऐसी लें जो सॉफ्ट हो और इजीली जो है मूव हो जाए। और लेस यहाँ पर मैंने लगा ली है एज़ यू कैन सी। इस तरीके से यहाँ पर हमें एक ही लाइन लगानी है, डबल इसको नहीं करना है। 8 इंचिस तक यहाँ पर मैंने लेस का डिज़ाइन रखा है, आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। नेक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रंट पार्ट के दामन की डिज़ाइनिंग। यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ किया है बिकॉज मुझे इसे जो है इसके ऊपर ही मुझे डिज़ाइनिंग करनी है। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप जितना आपका दामन है उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ रखें और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 16 इंचेस रखी है क्योंकि मेरी जो पूरी शर्ट की लेंथ है वो 47 इंचेस होगी। अगर ये एक्स्ट्रा होता है तो हम इसको जो है बाद में कट भी कर सकते हैं और ये डबल फोल्ड है। इसके ऊपर अब हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। लेसेस जो थी जो मुझे मिली थी वो सारी वाइट कलर में थी, उन सबको मैंने जो है अपने जो शर्ट में फ्लावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मैंने डाई कराया है।
कुछ मैंने डार्क पीच शेड में डाई कराया है, कुछ मैंने लाइट पीच शेड में डाई कराया है। ये वाली जो लेस है हम इसको नीचे लगाएंगे और इसका जो शेड है वो लाइट पीच शेड है एज़ यू कैन सी। और इसके ऊपर जो है हम ये जो पतली वाली एक वाइट लेस है इसके ऊपर पर्ल का काम हो रखा है और ये भी कट वर्क में है, ये इसके ऊपर लगाएंगे। एंड देन इसके ऊपर अब हम जो है ये चौड़ी वाली लेस का यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद अब हम जो हैं ये एक और लेस है मेरे पास जिसको मैंने डार्क पीच शेड में डाई कराया है इसके ऊपर लगाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे फ्लावर्स वाली लेस थी इसको भी मैंने डाई कराया है। ये अब मैं पूरे वाइट पोर्शन में इसको फ्लावर्स को लगाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आसपास से इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को स्टिच कर लिया है जिससे कि लेस बहुत ही फिर इजीली लग जाएंगी क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और उसके ऊपर काम करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये डबल फोल्ड भी है तो आप इसको जो है चारों तरफ से स्टिच कर लें और उसके बाद ही इसके ऊपर लेसेस लगाना स्टार्ट करें। मैंने यहाँ से इसको चारों तरफ से स्टिच कर रही हूँ एज़ यू कैन सी। अब मैंने इस फैब्रिक को ऑर्गेन्जा फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है एंड अब यहाँ पर 11.5 इंचेस पर यहाँ पर मैंने मार्किंग लगाए है जिसके अंदर हम लेस लगाएंगे। ये मेरी दामन की जो है चौड़ाई है और दोनों तरफ इस निशान को मैंने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर जो है लेसेस लगाना स्टार्ट करेंगे जिससे क्या होगा हमारी लेसेस फालतू नहीं लगेंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये वाइट जो पर्ल वाली लेस थी इसको लगाया है। बहुत ही ईजली इसको लगाना है, स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड देन अब इसके बाद जो है यहाँ पर ये वाली लेस को लगाना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर ये वाली लेस लगानी है। एंड देन जो ये बड़ी वाली लेस थी अब हम इसको यहाँ पर लगा रहे हैं और बीच से जो है मैंने इसको पिन से सिक्योर कर लिया है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मूव कर रही थी और बीच से जो है एक सिलाई और लगा लेनी है जिससे कि ये मूव ना करे और चुनट भी ना पड़े। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक बीच में स्टिचिंग लगा ली है और अब जिस तरीके से ये इसकी बनावट है जिस पे इसमें कटवर्क का डिज़ाइन है उसी तरीके से हमें मशीन चलाकर इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और अब हमने यहाँ पर जो है 3 इंचेस का ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड इसके ऊपर से जो है स्टिच लगा लेंगे बिकॉज़ हमें यहाँ पर अब बॉ बनाने हैं, बॉ वाली लेसिस का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने 1/2 इंचेस का यहाँ पर स्टिच लगा लिया है। अब ये जो है 2 इंचेस तक यहाँ पर ये रह गया है और अब हम इसको जो है फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद हम इसके ऊपर आयरन करेंगे और बॉ यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है एंड देन इसके ऊपर आयरन भी कर ली है। अब हम इसकी जो है कटिंग करेंगे। 3-3 इंचेस पर यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है एंड अब हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पर बॉ वाली एक लेस बनाएंगे। एंड देन 3 इंचेस की इसकी पेपर की लेंथ है, सॉरी विड्थ है। इसके ऊपर हम इन सारे जितने भी हमने ये कट किए थे उसको यहाँ पर इस तरीके से रख कर स्टिचिंग लगा लेंगे। आप इसको विदाउट पेपर भी बना सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से पेपर की हेल्प से ईजिली ये बन जाता है। दूसरी तरफ से भी हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। And
एंड जो अभी हमने पेपर लगाया था इसको अब हम यहाँ इसे हटा लेंगे और इसको अब हमें यहाँ पर बॉ बनाना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरे ही पेपर को हटा लिया है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं और बाद में भी इसको हटा सकते हैं, बट मैंने इसको पहले ही यहाँ से इसको हटा लिया है। एंड गाइज, मैंने यहाँ पर इस टाइप से ये सारे बॉ बना लिए हैं। बीच से जो है निडल की हेल्प से इसको यहाँ पर हमें एक स्टिच लगा लेना है। और इसकी जो वीडियो थी मुझसे डिलीट हो गई थी, अब इसके ऊपर यहाँ पर एक स्टिच लगाना है। एंड देन अब यहाँ पर मैं इस तरीके से स्टिचिंग लगा रही हूँ। एंड गाइज, जो हमने ये पूरा पैच तैयार किया था इसके ऊपर भी हमें इसको जो है बॉ के ऊपर रखकर, बॉ वाली जो हमने लेस बनाई थी उसके ऊपर रखकर हमें जो है इसको भी स्टिच कर लेना है। इससे जो है अब ये हमारा फ्रंट जो पैनल है ये अटैच हो जाएगा। एंड देन इसके ऊपर भी अब हम लेसेस लगाएंगे। एज़ यू कैन सी, यहाँ पर ये मैंने पूरा पैटर्न को इसके ऊपर अटैच कर दिया है और इस तरीके से यहाँ पर ये बॉ भी बन चुके हैं। एंड देन इसके ऊपर अब हम ये वाली लेसेस का यूज़ करेंगे। दोनों तरफ हमें ये लेस लगानी है। एंड यहाँ पर अब हम ये नेक पर फ्लावर्स वाली लेस लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर किसी तरीके की भी लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। लेस यहाँ पर लग चुकी है पूरे ही नेक पर इस तरीके से। एंड गाइज, स्टिच होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड इसके ऊपर अब हम और डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके चाक पर भी हमें लेस लगानी है और इसके ऊपर अभी हम पर्ल का काम भी करेंगे। यहाँ पर मैंने चाक पर लेस लगाने के लिए ये एक पतली वाली लेस का यूज़ किया है और इसको अब हम यहाँ पर चाक पे लगा लेंगे। इस तरीके से ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर यूज़ किया है इसी को हम जो है पलट कर लेस इसके ऊपर लगाएंगे। मैंने यहाँ पर पहले आयरन कर लिया है। अब हम जो है इस तरीके से यहाँ पर ये लेस को स्टिच करेंगे निशान पर, जो जो हमने निशान लगाए थे। एंड गाइस, इस तरीके से मैंने यहाँ पर आयरन की हेल्प से निशान लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर रख कर इस लेस को स्टिच करेंगे। लेस मैंने यहाँ पर स्टिच कर ली है। लेस के ऊपर एक स्टिचिंग लगा लेनी है। एंड देन इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और इसको एक और फोल्ड कर इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर भी हमें यहाँ पर एक और बार इसके ऊपर स्टिच लगा लेना है। इसीलिए जो फैब्रिक था मैंने 2.5 इंचेस इसको एक्स्ट्रा रखा था सो दैट कि हमें अलग से फैब्रिक यूज ना करना पड़े और इसी फैब्रिक से हम इसको डिज़ाइन को बना सकें। एज़ यू कैन सी, इसके ऊपर भी हमें यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है पूरे ही चौक पर। एंड देन अब हम इसको जो है फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और ये जो लेस का डिज़ाइन है ये ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है और इसको पक्का कर लेना है। एंड इसके बाद जो है हमें यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है जिससे इसकी फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। Yeah.
एंड गाइज यहाँ पर मैंने सेम ही पैटर्न को स्लीव पर भी बनाया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बो की लेसिस को बनाकर इस तरीके से इसको लगा लिया है और मिड में भी और एक लेस को लगाया है। सबसे पहले यहाँ पर मिड की लेस को लगाया है, इसके बाद यहाँ पर जो मैंने ये बो बनाया है इसको भी यहाँ पर लगा लेना है। इस तरीके से यहाँ पर एक स्टिच लगानी है एंड इसके ऊपर जो हमने सेम जो लेस लगाई थी अपने दामन पर उसको भी यहाँ पर इस लेस को लगा लेना है। दोनों तरफ हमें ये लेस लगानी है। एज़ यू कैन सी सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है और जो हमने लेस लगाई थी ये कटवर्क वाली इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। एंड अब हम जो है इसके जो बो है उसको भी बना लेंगे। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से पूरा जो सूट है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइज अब मैं आपके साथ शेयर करूँ, दिस इज़ दी फाइनल लुक ऑफ दिस शर्ट। सबसे पहले मैं आपके साथ नेक की डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। यहाँ पर मेरे पास एक लेस थी जिसको मैंने डाई कराया और उसके फ्लावर्स कट करके यहाँ पर लगा लिए हैं और उसके ऊपर पर्ल्स की डिज़ाइनिंग भी कर दी है। यहाँ पर जो है पीछे से जो नेक है वो बिल्कुल सिंपल है, राउंड नेक है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी जो स्लीव मैंने बनाई थी वो इस तरीके से बनकर रेडी हुई है। यहाँ पर मैंने पर्ल लगा लिए हैं और ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इसको किस तरीके से स्टिच करना है। एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक। एंड यहाँ पर जो दामन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के पर्ल लगाए हैं और यहाँ पर छोटे साइज़ के पर्ल लगाए हैं। फ्लावर्स की लेस थी उसको कट करके पूरे ही दामन पे लगा लिया है और इस तरीके से यहाँ पर नीचे भी इस बॉर्डर पर भी मैंने फ्लावर्स लगा लिए हैं। एंड चौक पर भी इस तरीके से आगे पीछे दोनों ही चौक पर मैंने यहाँ पर ये लेस लगाई है और पीछे से जो है इसकी दामन में भी यहाँ पर ये लेस लगा ली है पतली वाली। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कितनी मीटर लेस इसका यूज़ किया है। ये जो कटवर्क वाली लेस है ये मैंने 1.5 मीटर ली है और ये जो वाइट वाली लेस है ये मैंने 1 मीटर ली है और ये जो पूरा जो फ्रंट ये पैनल है ये भी मैंने 1 मीटर लिया है और ये वाली जो लेस है ये मैंने 4 मीटर ली है बिकॉज ये स्लीव पे भी लगी है दोनों डबल करके और यहाँ पर भी लगी है। एंड गाइस यहाँ पर जो ये जॉइंटर वाली लेस है ये मैंने 5 मीटर ली है क्योंकि इसका जो यूज़ है वो नेक पर भी हुआ है और ये जो वाली लेस है ये वाली पतली वाली लेस मैंने चौक पर लगाई है तो ये मैंने 4 मीटर यूज़ की है एज़ यू कैन सी। और फ्लावर वाली लेस मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई थी तो मैंने उसको डाई करा लिया था और इस तरीके से उसके फ्लावर्स कट करके यहाँ पर लगा दिए थे। और जो ये नेक में लेस लगी है कटवर्क वाली ये मैंने 1 मीटर ली है क्योंकि ये सिर्फ नेक में ही यूज़ हुई है। एंड जो दुपट्टे पे मैंने लेस लगाई है ये टिशू की लेस है और ये जो है मैंने 14 मीटर ली थी और छोटे छोटे गैदर्स करके मैंने आसपास दुपट्टे में इसको लगाया है। और दुपट्टा जो है ऑर्गेंजा का है उसको मैंने डाई कराया है पीच कलर में और ट्राउज़र पर इस तरीके से ये फ्लावर्स वाली लेस लगाई है और आसपास जॉइंटर वाली लेस लगाई है। एंड दिस इज़ अ फाइनल लुक ऑफ दिस सूट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।